गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिप्टन एकेडमी ऑफ केमिस्ट्री। आम साहिल, लास्ट टाइम मैं तुहानू इंपीरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलीमेंट्स करवाया सी। अज दा अपना टॉपिक है स्टोशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। सब तो पहला स्टोशियोमेट्री की होंगी है, स्टोशियोमेट्री की है क्वांटिटेटिव रिलेशन है। केड़ा रिलेशन है? क्वांटिटेटिव रिलेशन है रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दे विचकार। स्टोशियोमेट्री की है क्वांटिटेटिव रिलेशन है रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट दे विचकार। ठीक है, इस नूं आपां एक एग्जांपल नाल समझदे हां। देखो आपां लैणे रिएक्शन हाबर प्रोसेस दी। ये रिएक्शन तुसीं पहला भी देखी हुई है। हाबर प्रोसैस की हुंदा है? जिस दे विच आपां अमोनिया गैस प्रिपेयर करते हैं। इहो जी रिएक्शन जिहदे विच की प्रिपेयर करते हैं आपां अमोनिया गैस। देखो रिएक्शन है कोई एन टू प्लस थ्री एच टू तो की बन रहा है टू एन एच थ्री। क्लीयर, एक मोलीक्यूल नाइट्रोजन का, तीन मोलीक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मिलकर दो मोलीक्यूल ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। हुन अगर मैं नाइट्रोजन दे एक मोलीक्यूल नू ते हाइड्रोजन दे तीन मोलीक्यूल्स नू, नाइट्रोजन दे एक मोलीक्यूल नू ते हाइड्रोजन दे तीन मोलीक्यूल्स नू ते अमोनिया दे दो मोलीक्यूल्स नू मल्टीप्लाई करदा एवोगैड्रो नंबर दे नाल। मल्टीप्लाई किसने करदा? एवोगैड्रो नंबर दे नाल। एक मोलीक्यूल नाइट्रोजन दा, तीन मोलीक्यूल हाइड्रोजन दे ने, दो मोलीक्यूल किस दे ने अपने कोले? अमोनिया दे। इस पूरी रिएक्शन नू मैं मल्टीप्लाई करता किस दे नाल? एवोगैड्रो नंबर दे नाल। ठीक है, तां की होया नाइट्रोजन दे किन्ने मोलीक्यूल आ गए अपने कोले? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स। इस दे किन्ने आ गए? थ्री इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स। अमोनिया दे किन्ने आ गए? टू इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स। हुण तुहानूं पता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स इज इक्वल टू वन मोल। वन मोल किस दे इक्वल हुंदा है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स दे। तां थ्री मोल किस दे इक्वल होणगे? थ्री इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स। तां टू इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स किस दे इक्वल होणगे? मीनस टू मोल दे। मतलब एक ही चीज़ अपने कोले एक मोल, एक ही अपने कोले तीन मोल, ये अपने कोल की है दो मोल। सब तो पहला आपा की करना है? मोल दे विच कन्वर्ट करना है। कोई भी चीज़ दित्ती हुई आ गई आप उसनू किस कन्वर्ट करना है? मोल दे विच। ठीक है, इतों की कंक्लूड किया कि नाइट्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन तीन मोल ना रिएक्ट करके, नाइट्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन दे तीन मोल ना रिएक्ट करके की बना रहे हैं? दो मोल अमोनिया बना रहे हैं। दो मोल की बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। यहो जे रिलेशनस नू आपा की बोलते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशन। या तुहानू एवें भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का एक मोल, नाइट्रोजन का एक मोल 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। ये कुछ नहीं किया, ये सिर्फ तुहानू कन्फ्यूज़ करने लिए 34 ग्राम बोलता। तुहानू पता है एक मोल का मास किन्ना होंदा अमोनिया का? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 3, टोटल किन्ना आ गया? 17। टोटल किन्ना आ गया अपने कोले? 17। ठीक है, तो दो मोल का मोलीकुलर मास किन्ना होगा? 34 ग्राम। दो मोल का मोलीकुलर मास किन्ना होगा? 34 ग्राम। तो आप एवं बोल सकते हैं कि एक मोल नाइट्रोजन गैस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बना रही है। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशनस नूं आपां की बोलते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशन। एक रिलेशन होर लिख लेना, देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस तो मिलके की बन गया? 2HCl। इतों की कंक्लूड किया कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद वन मोल ऑफ क्लोरीन गैस एंड फॉर्म टू मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि एक मोल हाइड्रोजन गैस का एक मोल क्लोरीन गैस ना रिएक्ट कर रहे हैं तो किन्ने मोल बना रहे हैं? दो मोल बना रहे हैं। या एक मोल का वेट किन्ना होंगे HCl का?
वन मोल ऑफ एच सी एल इज इक्वल टू हाइड्रोजन का वन, क्लोरीन का 35.5, तो एक मोल का मास कि आ गया 36.5 ग्राम मोलीकुलर मास। तो दो मोल का कि आजगा 36.5 इंटू टू, आप एवं भी बोल सकते कि एक मोल ऑफ हाइड्रोजन कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसिस 73 ग्राम ऑफ एच सी एल। ठीक है, इस तरीके के रिलेशन आप बोलते हैं, इस तरीके के रिलेशन की बोलते हैं आप स्टोशियोमैट्रिक रिलेशन या क्वानटिटेटिव रिलेशनस। हूँ तुम इस बेसिस न्यूमेरिकल सोल्व करने आएंगे, आप इस रिलेटड तीन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। हूँ न्यूमेरिकल देता है, कहें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वॉटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्चन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मिथेन। इसने की क्या है, कहने वॉटर किन्ना प्रोड्यूस होगा जो मिथेन जलावे आप। मिथेन का फॉर्मूला की होंगे सी एच फोर, इसनों जलाता जलाने की प्रेजेंस हमेशा अगर किसी भी चीज़ की कंबस्चन करनी है आप हमेशा कंबस्चन करांगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दुनिया च किसी भी चीज़ को जलाइए कभी भी कोई मर्जी ऑरगैनिक कंपाउंड जो जलावे हमेशा की प्रोड्यूस होंगी है सी ओ टू प्लस की प्रोड्यूस होगा वॉटर। इस इक्वेशन नू सब तो पहला तुसी बैलेंस करना, इस इक्वेशन नू सब तो पहला की करना आपा बैलेंस करना। तो ये इक्वेशन की होगी बैलेंस होगी, आपां नू क्लीयर कट दिख रहा है कि वन मोल मिथेन दा, मिथेन दे किन्ने मोल ने वन, वन मोल ऑफ मिथेन किन्ने मोल वॉटर बना रहे हैं टू मोल ऑफ वॉटर, वन मोल मिथेन किन्ने मोल ऑफ वॉटर बना रहे हैं टू मोल ऑफ वॉटर। सब तो पहला आपां की दिता होया मिथेन किस दे विच दित्ती हुई ग्राम दे विच, मिथेन किस दे विच दित्ती आपां ग्राम दे विच, तो सब तो पहला आपां की करांगे मिथेन नंबर ऑफ मोल्स दे विच कढ़ांगे कि किन्ने नंबर ऑफ मोल्स गिवन ने आपां नू। नंबर ऑफ मोल किवें कढ़दे आप, गिवन मास बाय मोलर मास, किवें कढ़दे गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास किन्ना है 16, मिथेन का मोलर मास कि आजगा 12 प्लस 1 इंटू 4, ये भी कि आ गया अपने को 16, तो नंबर ऑफ मोल कि आ गए 1, नंबर ऑफ मोल कि आ गए 1। ठीक है, अपन क्वेश्चन भी यही गिवन सी कि 1 मोल गिवन सी, 1 मोल मिथेन का किन्ने मोल वॉटर बना रहा है 2 मोल, क्लीयर है, 1 मोल मिथेन का किन्ने मोल वॉटर बना रहा है 2 मोल। 1 मोल वॉटर का वेट कि होंगे, एक मोल वॉटर का मोलीकुलर मास किन्ना है, हुण तुहानू सारयां नू वॉटर का मोलीकुलर मास पता है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल किन्ना आ गया 18, टोटल किन्ना आ गया अपने कोले 18, तो एक मोल का 18 है, तो दो मोल का किन्ना होगा 36, दो मोल का किन्ना होगा 36, इसका मतलब एक मोल ऑफ मिथेन, एक मोल मिथेन मतलब 16 ग्राम ऑफ मिथेन किन्ने ग्राम वॉटर प्रोड्यूस कर रहे हैं 36 ग्राम ऑफ वॉटर, किन्ने ग्राम वॉटर प्रोड्यूस कर रहे हैं 36 ग्राम ऑफ वॉटर, ये अपना आंसर आ गया। क्लीयर, इसका एक मोल किस दे इक्वल सी 16 ग्राम दे, वही एग्जामिनर ने अपन पूछा जी। ठीक है, एक मोल किन्ने मोल प्रोड्यूस करता है 2 मोल, एक मोल का वेट किन्ना 18 ग्राम, तो 2 मोल का किन्ना आ गया 36 ग्राम। नैक्सट न्यूमेरिकल देखते हैं आप, नैक्सट मैरिकल की है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मिथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ सी ओ टू। पहला ही रिएक्शन लिखा आप, मिथेन प्लस 2 ओ टू, तो की बन रहा है सी ओ टू प्लस 2 एच टू, यही है। हूँ आपू पहला अपन जो पता है वह लिख लो, आपू की पता है कि 1 मोल मिथेन 1 मोल सी ओ टू प्रोड्यूस कर रहा है, जो चीज़ पूछी है उस कंपेयर करना, आप उपर वॉटर की क्वानटिटी पूछी थी तो वॉटर कंपेयर करा, उरे मिथेन तो सी ओ टू कंपेयर किया जा रहा है, तो आप भी मिथेन तो सी ओ टू की करा कंपेयर। ठीक है, 1 मोल मिथेन की प्रोड्यूस करता है 1 मोल सी ओ टू, 1 मोल सी ओ टू का मोलीकुलर मास कि होंगे, 1 मोल सी ओ टू का मोलीकुलर मास कि होंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, टोटल किन्ना आ गया 44 ग्राम, टोटल किन्ना आ गया 44 ग्राम। तो इसका मतलब 1 मोल मिथेन
किन्ने ग्राम सी ओ टू प्रोड्यूस कर रही है 44 ग्राम। एक मोल मिथेन किन्ने ग्राम सी ओ टू प्रोड्यूस कर रही है 44 ग्राम। अगर सी ओ टू 22 ग्राम प्रोड्यूस हुई है, अगर सी ओ टू किन्नी प्रोड्यूस हुई है 22 ग्राम, तो किन्ने मोल यूज होंगे मिथेन दे? एक मोल पिछे तो 44 ग्राम ने, तो 22 ग्राम पिछे किन्ने मोल होंगे? देखो क्वांटिटी की होगी हाफ होगी, 44 ग्राम तो किन्ना हो गया 22, तो मोल्स भी की हो जाएंगे हाफ। तो आंसर की आ गया अपने को, हाफ मोल मिथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ सी ओ टू। नेक्स्ट देखो लास्ट न्यूमेरिकल, कहने व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑबटेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सब तो पहला जो 10th क्लास की रिएक्शन लिखनी है, तुहानू पता जो कैल्शियम कार्बोनेट नू हीट करते हैं तो की प्रोड्यूस होंगे? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सी ओ टू। तुहानू क्लीयरली दिख रहा है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो 1 मोल ऑफ सी ओ टू। ठीक है, हुण इसने आपां नूं एग्जामिनर ने की कहा कि 3 मोल किन्ना प्रोड्यूस करनगे? अगर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, अगर 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है तो 3 मोल किन्ना करनगे? ओबियस है, इस दे भी किन्ने मोल प्रोड्यूस होंगे? 3 मोल। 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का वेट किन्ना? 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मोलीकुलर मास किन्ना? कैल्शियम का किन्ना होंदा 40, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल किन्ना आ गया अपने को 56। टोटल किन्ना आ गया अपने को 56। तो 3 मोल किस इक्वल आ जूगा? 1 मोल इक्वल है 56 ग्राम दे, तो 3 मोल किस दे इक्वल होंगे? 3 into 56। ये अप्रोक्सीमेटली अपने को आजूगा 168। ठीक है, किन्ने ग्राम प्रोड्यूस होंगे? इसका मतलब 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जलाने किन्ने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता आपां नूं? 168 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके के रिलेशन आप बोलते हैं क्वानटिटेटिव रिलेशन, तो कमिस्ट्री की लैंग्वेज की बोलते हैं स्टोशियोमेट्री। हुण देखो नैक्सट टॉपिक अपना लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है, नाम तो ही पता लग गया, लिमिटिंग मतलब जो घट अमाउंट दे विच है, लिमिटिंग मतलब जो घट अमाउंट दे विच है, एक्सेस मतलब जो ज़्यादा अमाउंट दे विच है। तुहानू मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल ना समझाना। सपोज करो तुसी एक फ्रेंचाइजी का नाम सुनिया होगा, सबवे। तुसी उत्थे सब खाणगे, सब ऑर्डर किया। हुण सबवे दे विच सब ऑर्डर किया, तुहाडे कोल पैसे ने 200 रुपीज़। तुहाडे कोल पैसे किन्ने है? 200 रुपीज़। तो सब का प्राइस किन्ना है? जो सबवे दे विच सब है उसका प्राइस किन्ना? 160। तुसी बहुत खुश होए कि हाँ हाँ कि 160 रुपये का सब है, बट मेरे को पैसे किन्ने है? 200 रुपये। तो तुहाडे कोल पैसे किन्ने एक्सट्रा ने? तुहाडे कोल पैसे किन्ने एक्सट्रा? मतलब तुहाडे कोल अमाउंट बच गई। तुहाडे कोल अमाउंट की होगी? बच गई। मतलब जे तुहाडे कोल पैसे एक्सट्रा ने, उसनों आप की बोलते हैं? एक्सैसरी एजेंट, जो फालतू बचा हुआ है। हुण दूसरी बार तुसी फेर गए, हुण तुहाडे कोल पैसे है 100 रुपये, सबवे गए तुहाडे कोल पैसे किन्ने है? 100 रुपये। ठीक है, बट जो अपना सब बंद है, सब किन्ने का है? 160 रुपीज़ का। हुण तुसी की करोगे? पर तुसी की चाहते हो सब खाना, बट सब हैगा किन्ने का है? 160 रुपीज़ का। सब हैगा किन्ने का? 160 रुपीज़ का। कि सब खा सकते हो? तो अगला की कहूगा, भांडे मांजो कि नाल फिर सब खा जियो। हुण इहदा मतलब तुसी कहोगे कि 100 रुपये का जिन्ना आंदा उन्ना दे दे, मतलब तुहाडे कोल पैसे की ने? घट ने। जिन्ना आपां नूं कैमिकल रीएजेंट चाहिदा सी, उस तो घट कैमिकल रीएजेंट है। इसका मतलब तुसी की हो? लिमिटिंग रीएजेंट। तो इस टाइम तुहाडे कोल पैसे की ने? लिमिटिंग रीएजेंट। इस नूं आपां कैमिस्ट्री लैंग्वेज भी समझते हैं। देखो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी टू, तो की बन रहा है? ए बी टू। ए प्लस बी टू तो की बन रहा है? ए बी टू बन रहा है। हुण ध्यान नाल देखो, आपां नूं गिवन की है? 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बी टू टू फॉर्म 1 मोल ऑफ ए बी टू।
एक मोल ए का, एक मोल बी मोलीक्यूल का, एक मोल ए बी टू मोलीक्यूल की कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। हूँ मेरे को है कि ने सपोज करो तुसी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, तुसी की फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट। सपोज करो तुहाडे कोल 3 मोल ए दे है ते 2 मोल की दे है बी दे, 3 मोल ए दे है ते 2 मोल किस दे है बी दे। ये अपने कोल ए दे मोल है, ये अपने कोल किस दे मोल है बी दे। हुण तुहानू पता है इस दे 1 मोल पिछे, ए दे 1 मोल पिछे बी दे किन्ने मोल चाहिए है 1, तो आपां नूं ए दे 3 मोल पिछे बी दे भी किन्ने मोल चाहिए होंगे 3, बट बी दे मोल किन्ने है 2, बी दे मोल किन्ने अपने कोल 2, मतलब बी घट अमाउंट दे विच है। अगर बी घट अमाउंट दे विच है तो बी अपना की है लिमिटिंग रीएजेंट, ए एक्सेस अमाउंट दे विच है तो ए अपना की है एक्सेस रीएजेंट। ये अपना रिएक्शन दे विच बच जूगा तो बी कंप्लीटली कंज्यूम हो जूगा, बी कंप्लीटली की कर जूगा रिएक्ट कर जूगा, ए दा 1 मोल रिएक्शन दे विच की रह जूगा बचा होया रह जूगा। जो रीएजेंट रिएक्शन दे विच चंगी तरह कंज्यूम हो जाता है उसनों आपां की बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट, तो जो एक्सट्रा बच जाता है उसनों आपां की बोलते हैं एक्सेस रीएजेंट। क्लीयर। हुण देखो एक एग्जाम्पल आपां होर लैने हैं, वही सेम ए प्लस बी टू तो की बन रहे ए बी बन रहे। क्लीयर। तुहाडे कोले 300 एटम है ए दे ते 200 मोलीक्यूल है बी दे, ठीक है। हुण तुसीं दसना किहड़ा लिमिटिंग रीएजेंट है, इन्हां दे विचों किहड़ा लिमिटिंग रीएजेंट है। अगर तुसीं ध्यान नाल देखो ए कल्ला मतलब एटम है, ए दे 1 एटम पिछे बी दे किन्ने मोलीक्यूल चाहिए है बी टू है, इस दे किन्ने मोलीक्यूल चाहिए आपां नूं 1 मोलीक्यूल, ए दे 1 एटम पिछे बी दे किन्ने मोलीक्यूल चाहिए आपां नूं 1 मोलीक्यूल चाहिए है, तो 300 एटम पिछे तो ए दे 300 एटम पिछे बी दे किन्ने मोलीक्यूल चाहिए होंगे आपां नूं 300, ए दे 300 एटम दे पिछे बी दे किन्ने मोलीक्यूल चाहिए होंगे आपां नूं 300 मोलीक्यूल, बट हैगे किन्ने है 200। इसका मतलब बी दी अमाउंट की है घट है, तो बी अपने कोल लिमिटिंग है तो ये अपने कोल की है एक्सेस रीएजेंट है। अगर इस तरीके ना फाइंड आउट नहीं करना आता तो सब तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने आप, सब तो पहले की फाइंड आउट करने आप नंबर ऑफ मोल्स। लिमिटिंग रीएजेंट की है जो रिएक्शन दे विच कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग रीएजेंट, जो कंज्यूम ना हो एक्सेस रीएजेंट। क्लीयर। हुण आ कोई रिएक्शन है आपां नूं सिल्वर नाइट्रेट प्लस एच सी एल तो की बन रहा है ए जी सी एल, आपां नूं गिवन मास दिता होया, आपां दसना ए जी एन ओ थ्री लिमिटिंग रीएजेंट है कि एच सी एल लिमिटिंग रीएजेंट है, ठीक है। सब तो पहला काम की करना नंबर ऑफ मोल कढ़ने आप, सब तो पहला काम की करना नंबर ऑफ मोल, तो पहला नंबर ऑफ मोल कढ़दा सिल्वर नाइट्राइट दे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कढ़ रहे सिल्वर नाइट्राइट दे। हुण देखो सिल्वर नंबर ऑफ मोल किवें कढ़दे आ, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास किन्ना सिल्वर नाइट्राइट का 50, मोलीकुलर मास किन्ना सिल्वर नाइट्राइट का, मोलीकुलर मास फाइंड आउट कर लेंगे, सिल्वर का 108 हुंदा, नाइट्रोजन का 14 हुंदा, ऑक्सीजन का 16 × 3। अप्रोक्सीमेटली जो फाइंड आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वेट किन्ना आ गया 143.5, डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स किन्ने आ गए 0.35, नंबर ऑफ मोल्स किन्ने आ गए सिल्वर नाइट्राइट दे 0.35। और लिख लेने आपां नूं इस दे 1 मोल पिछे इस दे किन्ने मोल चाहिए सी 1 मोल, इस दे अपने कोल मोल किन्ने आ 0.35, किन्ने मोल इस दे 0.35। हुण आपां देखदे एच सी एल दा नंबर ऑफ मोल किवें कढ़ा, गिवन मास बाय मोलर मास, एच सी एल दे कढ़ रहे हां। गिवन मास किन्ना एच सी एल दा 50, मोलीकुलर मास किन्ना हुंदा एच प्लस सी एल मतलब 1 + 35.5, टोटल किन्ना आ गया 36.5, तो नंबर ऑफ मोल्स किन्ने आ गए एच सी एल दे अपने कोले, अगर डिवाइड करांगे तो नंबर ऑफ मोल अपने कोले आ गए 1.37, किन्ने मोल आ गए 1.37, मतलब एच सी एल दे किन्ने मोल अपने कोले 1.37। आपां नूं इस दे 1 मोल पिछे, 1 मोल सिल्वर नाइट्राइट पिछे आपां नूं 1 मोल की चाहिए एच सी एल, 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्राइट नाइट्रेट के पिछे आपां नूं की चाहिए 1 मोल ऑफ एच सी एल, बट अपने कोले
0.35 पिछे 0.35 के पिछे किन्ने मोल एस सी एल चाहिए होने 0.35 पिछे किन्ने चाहिए हो 0.35 बट है किन्ने है 1.37 किन्ने 1.37 मतलब ये अपने को मोल की पे है एक्सैस दे विच ते अपने कोल की एक्सैसरी एजेंट है ये अपने कोल की पे है घट अमाउंट दे विच ते ये अपने कोल की है लिमिटिंग रीएजेंट एक रीएजेंट हमेशा लिमिटिंग होगा दूजा हमेशा की होगा एक्सैस दे विच थैंक यू अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर लाइक करो तो चैनल जरूर सबसक्राइब करो।